रिवर से पलायन कर 4 साल पहले पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक की गगवाड़ सिंह पट्टी के ल्वाली बाजार के निकट चमियाला गांव में कृषि और गौ पालन कर रहे त्रिभु लोचन नौटियाल ने अपने ही गांव की एक महिला को उनके कार्यों में बाधा डालने समेत उनके साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए समस्या का हल निकालने की मांग की है। त्रिभु लोचन नौटियाल का कहना है कि महिला को फॉर्म पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखा गया था। महिला को गौशाला का कार्य भी उसकी ही मर्जी से सौंपा गया था, जिसके लिए उसे 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। बताया कि महिला ने नौकरी छोड़ दी। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। तो मुझे नौकरी पे रख लो, मैं किसी और को काम नहीं करने दूंगी। तो उसने हमारी खेत में नुकसान भी बहुत किया है, हमारे फेंसिंग का, या हमारा ट्रैक्टर खराब है, आज की डेट में सब कुछ खराब है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ फैशन डिजाइनर हैं। मैं बॉम्बे का हूँ, वहीं पे बॉर्न ब्रॉटअप हुआ हूँ, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड का। मेरी वाइफ दिल्ली की है, बॉर्न ब्रॉटअप है, वहीं पे पढ़ाई लिखाई की है। हम दोनों फैशन डिजाइनर हैं और लाखों की सर्विस हम दोनों ने छोड़ी है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हम तो अपने आज के डेट में इतना उसने हैरास कर दिया, हमें अपनी बेसिक नीड के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वाली रिकॉर्ड्स से एक परिवार अभी मेरे सामने आए, उन्होंने शिकायत किया है कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई मकानी देवी है, उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनके खेत में जो सामग्री है या कृषि कार्य जो करते हैं उसमें जो उनका उत्पादन है उसको लेने से जो रोक रही है।